तो मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, आई वेलकम यू टू अ न्यू एपिसोड नंबर फाइव दिस आज हम वेक्टर जो क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज होती है ना, उनका हम रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ये सीखेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ आपको वेक्टर और स्केलर्स क्या होते हैं और उनमें डिफरेंस कैसे करते हैं, उनको मतलब डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, क्या डिफरेंस होता है उन सब में, इन चीज़ों के बारे में हमने आपको अच्छे से समझाया एपिसोड नंबर वन और एपिसोड नंबर टू, थ्री एंड फोर में, मतलब वन टू फोर में हमने अच्छे से आपको समझाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, काफ़ी आसान बनाने की कोशिश किया था, इजी, ताकि आपको बहुत इजी लगे और आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो वेक्टर क्वांटिटीज के रिप्रेजेंटेशन जो है ना, वो ज्योमेट्रिकल करते हैं या ग्राफिकल करते हैं, तो आप उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होता है। आखिर कहीं पेन चलाना है तो क्या करना है, कहीं पेंसिल से कुछ करना है तो ग्राफ बनाना है या कोई लाइन खींचनी है, यही तो होता है ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या क्वांटिटीज़ हैं, तो वेक्टर से ही पूछ लेते हैं कि वेक्टर, व्हाट द बेसिक इंफॉर्मेशन यू हैव विच आर यूजफुल फॉर अस। तो वेक्टर बोलता है कि मेरे पास सिर्फ दो मेन इन्फॉर्मेशन है। नंबर वन, मेरे पास एक वैल्यू है, मतलब मेरे पास एक वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू कह लो, वैल्यू मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू। और सेकंड चीज कि मैं बिना मेरी डायरेक्शनल इन्फॉर्मेशन के अधूरा हूँ, मतलब मेरी एक डायरेक्शन है जिसको रिप्रेजेंट करना आपके लिए ज़रूरी है। ओके, तो बोलता है कि अगर आप, वेक्टर बोलता है कि अगर आप हमें ये दो चीज़ें रिप्रेजेंट करके दे दें तो समझो कि आप मुझे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं ऑन द पेपर, ड्राइंग से या ग्राफिकल। गुड, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं, फोर्स, और ठीक है, और हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने 10 न्यूटन का फोर्स जो है किसी चीज पे बिल्कुल हॉरिजॉन्टली, यानी एक्स डायरेक्शन, एक्स वाई पढ़ा है ना, मेरे मुँह से एक्स वाई इसलिए निकल रहा है क्योंकि मुझे लगता है ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट यानी 2D कोऑर्डिनेट आपने 9th 10th में तो अच्छे से पढ़ ही लिए होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स वाई तो आपको आता ही है, लाइन का इक्वेशन सब आते हैं ना, आपने सब पूरा किया हुआ है, एरिया निकालना ट्राइंगल का, कोऑर्डिनेट्स, हाँ वही एक्स वाई वाले, जी वही वाले। तो हमको, हमारे पास एक फोर्स है वो 10 न्यूटन का है एक्स वाई प्लेन में, वही और वही एक्स वाई जियोग्राफ, एक्स वाई जियोमेट्री में, वही 2D कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में, उस प्लेन में अगर देखा जाए एक्स वाई प्लेन में, और ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टली काम कर रहा है एक्स डायरेक्शन में,
ये अब हमारा एक एग्जांपल हुआ और हमको इसको रिप्रेजेंट करना है किसमें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक एक जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देना है। तो कुछ नहीं करेंगे, इसकी पहले एक वैल्यू कितनी है 10, देखो पहली वैल्यू है 10 और दूसरी वैल्यू है डायरेक्शन। तो जो वैल्यू जो 10 है, तो हम कुछ नहीं एक स्केल लेते हैं और उसमें स्केल होता है ना आपके पास, वही प्लास वही स्केल 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर में जो स्टैंडर्ड जो मार्कर जो बिकती हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं अपनी तरफ से, जैसे मान लेते हैं कि एक सेंटीमीटर अगर हम डिस्टेंस उसमें ग्राफ लाइन बनाते हैं तो वो हमारा एक न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा, ये वैल्यू है। तो हम 10 सेंटीमीटर लाइन बना लेंगे और तो उसकी वैल्यू 10 न्यूटन के इक्वल हो जाएगी, एज्यूम कर लेते हैं। और एक लाइन खींचते हैं, हॉरिजॉन्टली लिखा है ना, तो हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में एक लाइन खींचते हैं, कितनी 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचते हैं, उसका हर एक सेंटीमीटर एक न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे ही 10 न्यूटन टोटल हो गए 1-1 सेंटीमीटर करते हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक 10 सेंटीमीटर लाइन खींचा जहाँ पर एक सेंटीमीटर एक न्यूटन को बता रहा है, हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन हो गया, बस हो गया हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। और लास्ट का जो पॉइंट है एकदम लास्ट वाला, वहाँ पर इसे तीर बना देते हैं, बस। तो ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया 10 न्यूटन फोर्स हॉरिजॉन्टली इन एक्स डायरेक्शन, मतलब हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जहाँ पर एक सेंटीमीटर एक न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो वेक्टर बना हमारा, ये हमें इन्फॉर्मेशन दे देता है कि इसमें 10 सेंटीमीटर लंबा है, एक सेंटीमीटर को हमने मान लिया है कि अब इतना बड़ा, तो मेरे पास हम लोगों का पेपर होता नहीं कि हम बहुत बड़ा हो, तो एक सेंटीमीटर को मान लेते हैं कि एक न्यूटन के इक्वल है। तो 10 सेंटीमीटर खींच दिया और लिख दिया कि एक सेंटीमीटर 10 एक न्यूटन के इक्वल है। अब कोई अगर इस वेक्टर को देखेगा तो पहले तो समझ जाएगा कि डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। और सेकंड वैल्यू, तो वैल्यू उसने देखा कि 10 सेंटीमीटर लंबा है और एक सेंटीमीटर एक न्यूटन का इक्वल है, तो यानी ये 10 न्यूटन हुआ, तो समझ में आ जाएगा किसी को कि ये 10 न्यूटन फोर्स एक्स डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो ये हो गया हमारा वेक्टर रिप्रेजेंट करने का तरीका, सबसे आसान तरीका है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का। और वेक्टर बहुत इजीली रिप्रेजेंट किए जाते हैं, बस एक लाइन और डायरेक्शन से। लाइन बताता है कि वैल्यू और डायरेक्शन, तो आप जानते ही हैं जिस और वो चीज़, वो वेक्टर क्वांटिटी जिस डायरेक्शन में लगी है। अब जैसे यही फोर्स होता 2000 न्यूटन हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है, तो आप क्या करते? तो आप कुछ मत कीजिए, आप ऐसी डिस्टेंस को लीजिए जो जिसको जिससे आपका पेज भी फिट हो जाए, मतलब उस पेज में आ भी जाए जिस पेज में आप बना रहे हैं पेंसिल से और स्केल से, और साथ में ये 2000 जैसी एक बड़ी क्वांटिटी भी आ जाए उसी स्केल में। तो कुछ नहीं, आप क्या कीजिए कि एक सेंटीमीटर को मान लीजिए 100 न्यूटन, तो 2000 न्यूटन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितना केवल डिस्टेंस चाहिए? केवल 20, मतलब कितनी दूरी चाहिए? 20 सेंटीमीटर, तो ये 2000 को रिप्रेजेंट कर देगा। बस कुछ नहीं, आप ये दोनों, आपको पता होगा कि हमने एक सेंटीमीटर को 100 न्यूटन के इक्वल ले लिया, तो 20 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और तो ये बता देगा कि आपका 2000 न्यूटन का फोर्स का वैल्यू बताएगा। ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो मतलब लाइन की जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, ये जो बीच की जो दूरी है लाइन की लंबाई,
ये आपकी बताती है वैल्यू। तो ये 20 सेंटीमीटर मीन्स 2000 न्यूटन वैल्यू हो गई, क्योंकि तुमने आपने मान लिया है कि 1 सेंटीमीटर 100 न्यूटन के इक्वल है। ठीक है, आपने इस लिख के रख लिया 20 सेंटीमीटर, खींच दिया तो 2000 की वैल्यू हो गई 2000 न्यूटन की। हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने बनाया, बिल्कुल एक्स डायरेक्शन, बिल्कुल बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में। और इधर आप निशान लगा देंगे क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, अगर मान लो यही लिखा होता कि माइनस एक्स डायरेक्शन में लगा होता तो कुछ नहीं, बस इधर लगा देते हम। तो इस तरह से रिप्रेजेंट हो गया ये वेक्टर, 20 सेंटीमीटर खींच के और इधर निशान लगा दिया। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नहीं करना है, एक वैल्यू के लिए एक लाइन, लाइन की जो लेंथ है वो उसकी वैल्यू बताती है, स्केल आप चूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ मैंने 1 सेंटीमीटर 100 न्यूटन का इक्वल मान लिया, तो 20 सेंटीमीटर के पेपर से ही काम चल गया, पेपर में 20 सेंटीमीटर लाइन खींचा। अगर आपका पेपर का साइज और भी छोटा है तो आप यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को 500 न्यूटन अपनी समझ में ले लीजिए, उसको लिख लीजिए पहले, तो आपको केवल 4 सेंटीमीटर लाइन खींचनी पड़ेगी अब ओनली, बस 4 सेंटीमीटर लाइन खींच दीजिए छोटी सी, उसमें ऐसे तीर लगा दीजिए। तो आपके पास कितना अवेलेबल पेपर है जिसमें आप ये रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर लाइन बनाएंगे, उसके अनुसार आप इसके एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन बेस यही है, आपको आ गया होगा। वेक्टर में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, वैल्यू और डायरेक्शन दो चीज़ चाहिए। वैल्यू बताने के लिए यानी न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए, उसकी वैल्यू मतलब मॉड उसका जो होता है तो वो लेंथ से बताते हैं, स्केल हम चूज कर लेते हैं, डायरेक्शन बता देते हैं। अब जैसे यही लिखा होता कि 2000 न्यूटन का फोर्स जो है वो मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब नीचे की ओर, तो आप उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, 4 सेंटीमीटर की पहले लाइन यही खींच ली तो वो 2000 न्यूटन रिप्रेजेंट कर देगा। 1 सेंटीमीटर को हमने मान लिया 500 न्यूटन रिप्रेजेंट करता है, तो 4 सेंटीमीटर खींचा ऐसे नीचे की ओर, तीर बना दिया नीचे की ओर, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन और वैल्यू, वैल्यू ठीक है। अगर यही बोलता है कि हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री अपसाइड में लगा है, यानी यह हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ऐसे लगा है 45 एंगल पे, तो कुछ नहीं करना था, 1 सेंटीमीटर 5 न्यूटन माना, तो 4 सेंटीमीटर 2000 न्यूटन, तो 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए 45 एंगल पे हॉरिजॉन्टली, है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पर 45 एंगल पर एक लाइन खींचिए जिसकी लंबाई होगी केवल 4 सेंटीमीटर, करेक्ट 4 सेंटीमीटर लिख के वहाँ पर से तीर बना दीजिए, बाकी चीज़ें मिटा दीजिए, पहले सब बना लीजिए उसके बाद इसको मिटा दीजिए। अब ये जो है ना, ये वेक्टर ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2000 न्यूटन 45 एंगल पर लगा हुआ है हॉरिजॉन्टल से, साथ में हॉरिजॉन्टल वगैरह लाइनें नहीं बनाते हैं, बस पहले बना लिखकर बाद में सब मिटा देते हैं। तो ये पूरा रिप्रेजेंट हो गया वेक्टर 2000 न्यूटन हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पर अपसाइड में। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटीज आपको समझ में आ गई अच्छे से कि नहीं आई? कुछ नहीं है ही नहीं इसमें, वैल्यू को लाइन की लेंथ से रिप्रेजेंट करना है, वो स्केल आप एज्यूम कर सकते हो कि कितनी दूरी को कितना वैल्यू देना है और डायरेक्शन लगा देनी, हो गया। जिस ओर डायरेक्शन है ना उस ओर तीर बना देते हैं, तो ये पता चल जाता है किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो हो गया, बस यही सिंपल चीज़ थी। मिलते हैं एपिसोड नंबर 6 में, कुछ खास नहीं था।